हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चेस्ट 28 इंच की कटोरी ब्लाउज की पेपर कटिंग देखेंगे। तो इसका हम मेजरमेंट देखेंगे। पहले चेस्ट है 28 इंच, शोल्डर है 5.5 इंच, आर्मोल है 5.5 इंच, ब्लाउज की लेंथ है 13.5 इंच, स्लीव है 5 इंच, स्लीव की फिटिंग है 5.5 इंच, फ्रंट का नेक है 5 इंच और बैक का नेक है 7 इंच। ये हमने पेपर लिया है डबल फोल्ड में। चेस्ट है 28 इंच, उसका 1/4 है 7 इंच, उसमें हम 2 इंच मिलाएंगे मार्जिन के लिए, 9 इंच। फुल लेंथ है 13.5 इंच, तो हम उसमें 1.5 इंच मिलाएंगे। जो हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा उसमें हम 1.5 इंच मिलाएंगे। तो इस तरह से 15 इंच का हमने ये पेपर लिया है, इसकी फुल लेंथ ली हमने 15 इंच, और बैक में हम 1 इंच मिलाएंगे। यहाँ से हम गले की चौड़ाई लेंगे, ढाई इंच, शोल्डर है 5.5 इंच, फ्रंट का नेक है 5 इंच, उसमें हम 1/2 इंच मिलाएंगे। इसका हम बॉक्स बनाएंगे। आर्मोल है 5.5 इंच, उसमें हम 1/2 इंच मिलेंगे। शोल्डर शेप के लिए तो 6 इंच लेंगे हम, इसको भी हम सीधे लाइन से जॉइन करेंगे और यहाँ से हम 1/2 इंच का शोल्डर शेप देंगे इस तरह से। ये हमारा 5.5 इंच आता है आर्मोल, इसका हम सेंटर निकालेंगे 2.75 इंच। यहाँ से हम 1/2 इंच बाहर लेंगे। अब हम चेस्ट का 1/4 लेंगे, यहाँ से 7 इंच, उसमें हमने 2 इंच मिलाए मार्जिन के लिए। तो ये हमारी सिलाई मार्जिन रहेंगे 2 इंच की, आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं इस तरह से। अब हम 1.5 इंच बैक के लिए आर्मोल का यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और फ्रंट के लिए 1.25 इंच पे इसे हम आर्मोल का शेप देंगे। ये हमारा बैक का आर्मोल रहेगा और फ्रंट का हम थोड़ा बाहर की ओर सिलेंगे। इस तरह से ये हमारा फ्रंट का रहेगा और ये बैक का। यहाँ पे आप नेक का कोई भी शेप दे सकते हो। इस तरह से अब हम यहाँ से ढाई इंच यहाँ से लेंगे क्रॉस पट्टी के लिए और 2.5 इंच यहाँ से लेंगे। यहाँ से हम जितना हमने यहाँ से चेस्ट का नाप लेके 2 इंच लिया एक्स्ट्रा, तो 9 इंच, तो यहाँ हम 1/2 इंच कम लेंगे कमर की ओर, तो 8.5 इंच भी निशान लगाएंगे और इसे यहाँ से तिरछी लाइन से ज्वाइन करेंगे। अब हमने यहाँ से जो 2.5 इंच ले इसे हम यहाँ से एक सीधी लाइन देंगे और यहाँ से 1 इंच ऊपर लेंगे। ये यहाँ से हम कटोरी का नाप लेंगे 5 इंच, यहाँ से लेंगे हम 2.25 इंच। ये जो फ्रंट आर्मोल है यहाँ से लेंगे हम 2.25 इंच और यहाँ से लेंगे हम
एक इंच। अब हम ये तीनों पॉइंट को मिलाएंगे। इस तरह से और यहाँ से हम कट जो क्रॉस पट्टी है इसे हम इस तरह से शेप देंगे। अब इसे हम कट करेंगे। पहले हम बैक का पार्ट कट करेंगे। बैक पार्ट हम साइड में रखेंगे। जो हमने यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था फ्रंट पार्ट के लिए, तो बैक पार्ट में हम लेंथ में जो फुल लेंथ है उसमें हम एक इंच मिलाएंगे और फ्रंट में डेढ़ इंच। तो इसे हम आधे इंच को कट कर लेंगे। डेढ़ इंच हमने इसलिए लिया कि आधा इंच और आधा इंच और आधा इंच, इस तरह से हमारे ये सिलाई में जाता है। इसलिए हमने जब हम कटोरी जब भी हम फैब्रिक पे कट करेंगे तो आधे इंच हम एक्स्ट्रा कट करेंगे, तो जो हमारा डेढ़ इंच यहाँ पे एडजस्ट होता है, आधा इंच इधर और आधा इंच, इसलिए हमने डेढ़ इंच फ्रंट पार्ट में लिया है। अब इसे हम कट करेंगे। फ्रंट का आर्म होल कट करेंगे। क्रॉस पट्टी कट करेंगे। इसे नेक कट करेंगे। अब हम कटोरी को दूसरे पेपर पर रख के बड़ा के लेंगे। ये हमने दूसरा पेपर लिया है, तो यहाँ से हमने डेढ़ इंच पे हमने एक सीधी लाइन दी। अब हम ये जो हमारी पहली वाली कटोरी इसको हम इस तरह से रखेंगे और उसे ड्रॉ कर लेंगे। इसे हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम इसका सेंटर देखेंगे। ये आते साढ़े पाँच इंच का हम सेंटर निकालेंगे। ये आता है सवा पाँच, तो सवा पाँच इंच का हम पौने सेंटर निकालेंगे। तो ये आता है इसका सेंटर ढाई इंच एक पॉइंट। तो यहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे। यहाँ से डेढ़ इंच नीचे लेंगे, हम एक सीधी लाइन देंगे। अब हम यहाँ से सवा इंच लेंगे यहाँ से, और यहाँ से भी हम सवा इंच लेंगे। अब इनके ऊपर हम यहाँ से हम आधा आधा इंच ऊपर लेंगे और यहाँ से हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ से हम साढ़े चार इंच में निशान लगाएंगे। अब इन्हें हम मिलाएंगे। इसे हम ये तिरछी लाइन से ज्वाइन करेंगे। इसे भी हम यहाँ से तिरछी लाइन से ज्वाइन करेंगे और ये पॉइंट को यहाँ से मिलाएंगे।
इस तरह से अब इसे हम कट करेंगे। इस तरह से हमारी एक कटोरी तैयार है। अब हम स्लीव कटिंग करेंगे। स्लीव के लिए हमने ये डबल फोल्डिंग पेपर लिया है। हम आर्म होल का फ्रंट हो या बैक हो, कोई भी आर्म होल का हम नाप इस तरह से तिरछा लेंगे। ये आता है 7.5 इंच, इस तरह से 7.5 इंच। तो यहाँ हम ये हमने पेपर लिया डबल फोल्ड में, ये ओपन साइड है, ये बंद साइड है। तो यहाँ से हम इसकी चौड़ाई लेंगे 7.5 इंच और उसमें हम 1/2 इंच मिलाएंगे, 7.25 इंच। इस तरह से मैंने ये 7.25 इंच चौड़ाई ली इसकी। और यहाँ से हम लेंगे जो बाजू की लेंथ है 5 इंच, उसमें हम 1.5 इंच मिलाएंगे। तो ये हमने 6.5 इंच लिया, 1.5 इंच हमने ये फोल्डिंग के लिए लिया है। इसे हम सीधी लाइन देंगे यहाँ से, यहाँ से ओपन साइड से हम ऊपर की ओर 3 इंच पे यहाँ एक पॉइंट देंगे, उसके सामने हम 1 इंच पे और यहाँ से भी 1 इंच पे। अब हम आर्म होल का शेप देंगे। इस तरह से दूसरा आर्म होल का शेप देंगे। स्लीव की फिटिंग है 5.5 इंच, उसमें हम 1 इंच मिलाएंगे, 6.5 इंच। इस तरह से इस तरह हम इसको सेप देंगे। अब हम इसे कट करेंगे। ये बैक आर्म होल है, इसका हम पहले कट करेंगे। अब हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम एक पेज उठाएंगे पहले, इस तरह से इसे कट करेंगे हम। ये फोल्ड में जाएगा इस तरह से। ये तैयार रहेगी 5 इंच की स्लीव। ये जो हमारा बैक पार्ट है, तो यहाँ से हम जो हमने नेक की चौड़ाई ली थी 7.5 इंच और बैक नेक है 7 इंच, उसमें हम 1/2 इंच मिलाएंगे, 7.5 इंच। इस तरह से इसको सीधी लाइन देंगे, इसका बॉक्स बनाएंगे। और इसे हम नेक का शेप देंगे। आप कोई भी दे सकते हो। मैं यहाँ से थोड़ा सा बाहर की ओर से ले जाते हुए थोड़ा राउंड शेप दूंगी, इस तरह से उसे कट करूंगी। इस तरह से बैक पार्ट तैयार है। ये फ्रंट पार्ट, क्रॉस पट्टी और स्लीव। इस तरह से चेस्ट 28 इंच की कटोरी ब्लाउज की पेपर कटिंग तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।